हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम करेंगे ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, दैट इज योर नेक्स्ट चैप्टर ऑफ द एनसीईआरटी बुक। आई होप ऑल द प्रीवियस चैप्टर्स आर क्लियर टू यू एंड लेट्स बिगिन विद टुडेज टॉपिक। मूविंग फॉरवर्ड इज योर स्कूल एग्जाम्स विद अनअकैडमी। दिस इज अबाउट द अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जिसपे आपको मिल सकता है फ्लैट 10% ऑफ इफ़ यू यूज़ द कोड SPGSS10। तो ये कोड यूज़ करो एंड उसी टाइम आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट द अनअकैडमी लर्निंग ऐप। वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है, पुट योर नेम, नंबर एंड ईमेल आईडी, ठीक है, सेट योर गोल अकॉर्डिंग टू योर क्लास एंड यूज़ द कोड SPGSS10 एज एन इन्वाइट कोड, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारा फ्री कंटेंट होता है और आपको यू विल गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एंड आई विल गिव यू इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स बेनिफिट्स टूवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास। ओके, सो वेलकम टू माई क्लास एवरी वन। आई एम गुरलीन सिंह, योर मैथ्स एजुकेटर। आई हैव 2+ ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस थ्रू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड्स। ऑल्सो आई एम क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर थ्रू द UGC नेट एग्जाम। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल से। बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे, दैट वॉट इज अ ट्रायंगल, ठीक है। सो बेसिक है, यू नो दैट इट इज अ फिगर दैट हैज थ्री साइड्स, ठीक है, थ्री साइड्स, थ्री वर्टिसेस एंड थ्री एंगल्स, ठीक है। ये मेन थ्री प्रॉपर्टीज होती है एक ट्रायंगल की। यू नो व्हाट आर साइड्स, अगर मैं इसको नेम कर देती हूँ ए बी एंड सी, देन वी हैव द साइड्स आर ए बी, बी सी एंड सी ए, राइट। नेक्स्ट वी हैव थ्री वर्टिसेस। अब वर्टिसेस क्या होती है, जहाँ दो लाइन सेगमेंट्स मिलती है, बेसिकली दीज आर द कॉमन पॉइंट्स। तो वर्टिसेस क्या है इसकी, दीज आर ए बी एंड सी। एट द एंड वी हैव थ्री एंगल्स। द स्पेस बिटवीन टू लाइन सेगमेंट्स इज नोन एज एन एंगल। ये अभी अभी हमने लाइन्स एंड एंगल्स के चैप्टर में पढ़ा है। सो द थ्री एंगल्स आर एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। सो बेसिकली इट इज़ अ पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है, इट इज़ अ क्लोज फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। यू कैन ऑल्सो से दैट दिस इज अ थ्री साइडेड पॉलीगन, राइट। अब हम क्लासिफाई करते हैं इन ट्रायंगल्स को। लेट्स स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन द साइड्स, ठीक है। ओके, बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ द साइड्स। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट वन इज आर इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसकी क्या होती है, थ्री इक्वल साइड्स होती हैं। सो बेसिकली आई कैन राइट दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, राइट। नेक्स्ट वी हैव एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, इट हैज एटलीस्ट टू इक्वल साइड्स, ठीक है, मतलब टू साइड्स जो है वो इक्वल टू ईच अदर होती हैं, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो साइन है, दिस इज अ साइन ऑफ इक्वल। सो ए बी इज इक्वल टू ए सी, राइट। ये क्या है, दीज आर आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। ओके, थर्ड है मेरे पास स्केलीन ट्रायंगल। इसकी नो इक्वल साइड्स होती हैं। सो आई विल राइट दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए, ठीक है। एंड यहाँ पे हम भी लिखेंगे इज नॉट इक्वल टू बी सी। ओके, सो मेन द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स साइड आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड स्केलीन ट्रायंगल, राइट। सो क्या मैं कह सकती हूँ दैट ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर ऑल्सो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की कंडीशन होती है दैट टू साइड्स शुड बी इक्वल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर तीन साइड्स इक्वल है, मतलब दो तो इक्वल होंगी ना, कम से कम टू तो इक्वल है ही है। सो दिस इज ऑल्सो फुलफिलिंग द क्राइटेरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो आई कैन से दैट द आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, सॉरी, द इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑल्सो, ठीक है। नो नीड टू गेट कन्फ्यूज, जस्ट रिमेंबर द नेम्स ऑफ द थ्री टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। देन वी हैव टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ठीक है। एंगल्स की बात करते हैं, एक होते हैं हमारे पास एक्यूट ट्राइंगल, ठीक है, जिसमें जो तीनों एंगल्स हैं उनका जो मेजर होता है दैट इज लेस देन 90 degrees, राइट। देन वी हैव अ राइट ट्राइंगल, जिसमें वन एंगल, ओनली वन एंगल इज इक्वल टू 90 degrees, ठीक है। अगर एक एंगल 90 है तो बाकी दो एंगल्स जो होंगे वो क्या होंगे, दे विल बी एक्यूट एंगल्स, ठीक है। बाकी बोथ द एंगल्स आर गोइंग टू बी एक्यूट एंगल्स। ओके, देन वी हैव ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, ओनली वन, इसमें भी क्या होगा, ओनली वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 degrees एंड बाकी के जो दो एंगल्स होंगे दे विल ऑल्सो बी एक्यूट एंगल्स, राइट। सो ग्रेटर देन 90 degrees होता है ना ऑब्ट्यूस एंगल, सो सिमिलरली ऑब्ट्यूस ट्रायंगल का नाम भी उसी से आता है, राइट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। प्रॉपर्टीज कर रहे हैं हम ट्रायंगल की, तो उसके अंदर मीडियन सबसे पहले आता है।
Okay, the line segment joining the vertex of a triangle to the midpoint of the opposite side and thus dividing it into two equal segments is called a median. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक ट्राइंगल है, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी, राइट, और द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल, ये जो वर्टेक्स है टू द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड, इसकी ऑपोजिट साइड बी सी है तो एग्जैक्टली इसकी मिड पॉइंट पे आएगा, लेट्स नेम इट एज डी. सो इन दिस केस अगर ये मिड पॉइंट है, बी डी विल बी इक्वल टू बी डी विल बी इक्वल टू डी सी, राइट, एंड थस डिवाइडिंग इट इंटू टू इक्वल सेगमेंट्स. ओके, अब मैं इस वर्टेक्स से भी स्टार्ट कर सकती हूँ ना, इस वर्टेक्स से स्टार्ट करके ए सी के एकदम मिड पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, फिर थ्री वर्टेक्स है तो थ्री मीडियंस होंगे, है ना, इट कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी वर्टेक्स एंड गो टिल द ऑपोजिट साइड ऑफ द गो टिल द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड, राइट. सो एज यू कैन सी इन दिस फिगर, इसमें हमारे पास कितने मीडियंस हैं, थ्री मीडियंस हो सकते हैं. ठीक है, क्लियर टू एवरीवन? सो अ ट्रायंगल हैज थ्री मीडियंस. Doesn't matter कि वो acute angled है, right angled है या obtuse angled है, scalene है या isosceles है, हर triangle के three medians होंगे. Okay? Then we have altitude of a triangle. Altitude is the height of the triangle. ठीक है, basically altitude is the height of the triangle. It is the line starting from the vertex of the triangle which is perpendicular to the other side. ठीक है, पहले क्या था, मिड पॉइंट पे जा रही थी, बट इन दिस केस स्टार्ट तो वर्टेक्स से होगा बट इट विल बी परपेंडिकुलर, मतलब एक स्ट्रेट लाइन होगी, ये जो बेस है बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी. अब अगर मुझे यहाँ मीडियन बनाना होता, ये डॉटेड लाइन जो है ये मेरी मीडियन होती. ठीक है, दिस इज माय ट्रायंगल ए बी सी, राइट, दिस इज डी एंड लेट्स से दिस इज ई. नाउ ए ई इज गोइंग टू बी योर ऑल्टीट्यूड. ठीक है, ऑल्टीट्यूड को हम और क्या कहते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट हाइट ऑफ अ ट्राइंगल. ठीक है, कि बेसिकली कितनी हाइट है बेस से लेके ऊपर वाली वर्टेक्स तक. एंड बी एंड ए डी इज व्हाट, इट इज द मीडियन. ठीक है, ये मिड पॉइंट पे होगा तो ये मीडियन होता है. नाउ जस्ट लाइक अ मीडियन, अ ट्राइंगल कैन हैव थ्री ऑल्टीट्यूड्स. ठीक है, थ्री वर्टेक्स है तो बी से अगर स्टार्ट किया, ए सी पे जो भी प्रपेंडिकुलर मेरा लाइन बनेगा दैट विल बी माई अदर ऑल्टीट्यूड. ठीक है, एंड सिमिलरली सी से स्टार्ट करके ए बी पे जो भी 90 डिग्री की लाइन बनेगी दैट विल बी माई थर्ड ऑल्टीट्यूड, राइट. सो अ ट्राइंगल हैज थ्री मीडियंस एंड थ्री ऑल्टीट्यूड्स, एंड ऑल्टीट्यूड इज ऑल्सो नोन एज द हाइट ऑफ अ ट्राइंगल. आई होप इतना सबको क्लियर है. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. अभी तक हमने पढ़ा है कि ट्राइंगल एक थ्री साइडेड फिगर है, राइट, उसके थ्री एंगल्स हैं, थ्री वर्टिसेस हैं. सो नाउ ऑल द प्रॉपर्टीज बेसिकली आर रिलेटेड टू द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, कि उनका मेजर किस तरह फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, एंड इफ वी आर गिवन द मेजर, उनके बीच का रिलेशन क्या है. ठीक है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कवर इन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एंड एंगल सम प्रॉपर्टी. देन टू अदर प्रॉपर्टीज आर बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, जो होगी हमारी पाइथागोरस प्रॉपर्टी एंड सम ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल. चलो पहली प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं. इट स्टेट्स दैट the exterior angle of a triangle is equal to the sum of interior opposite angles. Okay, exterior angle kaise, for in this diagram you can see that x is the exterior angle. ye bana kaise hai, ye wali side jo hai maine usko extend kar diya. theek hai, similarly yahan se agar main ye wali ek side ko extend kar deti hu to ye mera exterior angle ban jayega. theek hai, idhar se I can extend any sides, ye side ko extend kar diya to ye mera exterior angle hai, right. सो बी केयरफुल वाइल ड्रॉइंग मेजरिंग एक्सटीरियर एंगल. एक ही साइड को एक्सटेंड करके बनेगा एक्सटीरियर एंगल. अगर आप इसको ऐसे एक्सटेंड कर दोगे, इसको ऐसे एक्सटेंड कर दोगे और बोलोगे दिस इज एन एक्सटीरियर एंगल, दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट एन एक्सटीरियर एंगल. ठीक है, यू कैन जस्ट आप इस तरह से कर दो. ठीक है, दिस कैन बिकम योर एक्सटीरियर एंगल, और इफ यू यू नो इसको अगर आप लंबा करते हो तो ये बन जाएगा एक्सटीरियर एंगल, राइट. सो बी वेरी केयरफुल वेन यू आर टॉकिंग अबाउट एक्सटीरियर एंगल्स, एंड दिस ऑल्सो इधर बन जाएगा या फिर इधर बन जाएगा, राइट. ओके, एंड ऑफकोर्स इनका जो मेजर होगा आपस में वो इक्वल भी होगा, है ना, क्यों, बिकॉज दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ओके, सो नथिंग टू गेट कन्फ्यूज हियर, लेट्स स्टार्ट. अब ये जो एक्स है, ये जो मेरा एक्सटीरियर एंगल है, इसका जो मेजर है, इसकी जो वैल्यू है, is equal to the sum of interior opposite angles, that is 75 degree and 36 degree. ठीक है, इसके equal होगा. So angle x is equal to 75 plus 36.
सो वी आर जस्ट गोइंग टू ऐड देम अप. दिस इज 5, 5, 10 and 11. सो ये कितना हो गया, दिस इज 111 डिग्रीज, राइट. सो लाइक दिस यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्सटीरियर एंगल. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग. तो इसमें आप देख सकते हो हमने ये वाली साइड को एक्सटेंड किया है. दिस एक्स इज आर एक्सटीरियर एंगल एंड एक्स की वैल्यू कितनी है, 65 डिग्री प्लस 45 डिग्री. ठीक है, ऑपोजिट यही हुआ ना कि ये वाला एंगल ये वाले इंटीरियर एंगल को छोड़कर बाकी की जो दूसरी साइड पे दोनों एंगल्स हैं उनके इक्वल हमारा मेजर होगा, राइट. सो 65 प्लस 45 इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज 110 डिग्री. तो एक्स की वैल्यू कितनी है, 110. सो वेन एवर यू आर सॉल्विंग क्वेश्चंस और अगर आपसे पूछा है कि एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है, सो यू हैव टू राइट कि आपने ऐसा क्यों किया. यू आर गोइंग टू मेंशन दैट आई एम यूजिंग द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, एंड वंस यू मेंशन कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज किया, दे आर गोइंग टू नो दैट यू मीन दैट द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, राइट. सिंपल, ओके, आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड. ओके, रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क विद द करेक्ट वैल्यू. इसमें भी क्या है, ये जो साइड ए बी है उसको एक्सटेंड किया है हमने, ठीक है, ये जो बाहर एंगल बन रहा है दिस इज आर एक्सटीरियर एंगल एंड इसका मेजर कितना होगा, सम ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, राइट. सो लेट्स से दैट क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है 55 डिग्री प्लस 80 डिग्री. सो वेन यू आर गोइंग टू ऐड देम, ये कितना आएगा, 5 एंड दिस इज 13. सो 135 डिग्री विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क. एंड कौन सी प्रॉपर्टी यूज ही है, ऑलवेज यू आर गोइंग टू मेंशन इट इज द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. क्लियर टू एवरीवन? ओके, सो प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन, ठीक है. इस पे कुछ इक्वेशन की बेस पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, तो उसमें भी पता होना चाहिए कि जो फॉर्मूला है वो क्या लगेगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का लगेगा, ठीक है. ओके, द एक्सटीरियर एंगल इज गिवन, एंगल गिवन इज 120 डिग्री, द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स आर 50 एंड 5x प्लस 40. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. चलो फॉर एग्जाम्पल हम खुद ड्रॉ करके देखते हैं. एक ट्रायंगल है मेरे पास, ठीक है, लेट्स से दिस इज द एक्सटीरियर एंगल, ठीक है. इस एक्सटीरियर एंगल का जो वैल्यू है वो 120 डिग्री गिवन है एंड द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, अब ये वाले एंगल को छोड़कर ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, लेट्स से दिस इज 50 डिग्री एंड दिस इज 5x प्लस 40 डिग्री. तो ये जो है ना, ये पूरा एक एंगल का मेजर है. तो मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. नाउ आई विल अप्लाई माय फॉर्मूला. यू विल राइट दैट यूजिंग द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, आई एम जस्ट राइटिंग द शॉर्ट फॉर्म, बट एग्जाम में आप शॉर्ट फॉर्म्स नहीं यूज करोगे. यू विल राइट दैट 120 इज इक्वल टू 50 प्लस 5x प्लस 40. क्लियर? Let's add this up. 50 and 40 is equal to 90. So 90 plus 5x is equal to 120. Right? So अब क्या होगा? 90 यहाँ पे add हो रहा है, तो उधर जाके minus हो जाएगा. Right? So this is obviously going to give you 30. Right? So 5x is equal to 120 minus 90, which is equal to 30. तो x की value कितनी हो जाएगी? 30 divided by 5. क्योंकि यहाँ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा. सो 5, 6, 30. तो x की वैल्यू कितनी आ गई, इट इज इक्वल टू 6. एंड आप एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हो. कैसे? 5 × 6 + 40. सो दिस एंगल इज हाउ मच, दिस इज 30 + 40 विच इज इक्वल टू 70 डिग्री. ठीक है, तो ये 70 डिग्री का एंगल था, ये 50 डिग्री का एंगल है एंड 70 + 50 इज एक्चुअली इक्वल टू 120 डिग्री ओनली. सो यू कैन चेक योर आंसर ऑल्सो कि अब क्या 70 और 50 जो है वो 120 बन रहा है कि नहीं, राइट. सो दीज आर सम काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू कैन गेट, डायरेक्ट भी आ सकते हैं, इस तरह से थोड़ी इक्वेशन फॉर्म में भी आ सकते हैं. सो प्रैक्टिस करनी है हमें दोनों टाइप ऑफ क्वेश्चंस की. ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग. तो इसमें भी सेम हमारा फॉर्मूला लगेगा, दैट 100 डिग्री, 100 इज द एक्सटीरियर एंगल, इट इज इक्वल टू 2x प्लस 3 प्लस 51. ठीक है, सो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 100 माइनस 54. ठीक है, 51 प्लस 3 इज 54, तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा. सो योर दिस इज गोइंग टू गिव यू 46. तो 2x की वैल्यू कितनी है, 46. तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 46 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 2 2 इज 4, 2 3 इज 6. तो x की वैल्यू कितनी है, 23.
हम चेक करेंगे अब 2 × 23 + 3 मुझे क्या दे रहा है, ठीक है, दिस इज 6, 46 + 3 = 49 and now you can check that 49 + 51 will give you the value of our exterior angle which is equal to 100 only, ठीक है. So this is how you are going to do all these questions based on the exterior angle property. Another question, ठीक है, using exterior angle property, find the value of x. अब इसमें क्या है, जो तीनों angles हैं, they are given in the variable form, expression की form में given है, right? But I know कि अभी we are having expressions in one variable only, कि मुझे सिर्फ x की value find out करनी है, and मैं इसको easily equation के form में लिख सकती हूँ, ठीक है, expressions को equation के form में लिख सकती हूँ. Why? Because this exterior angle is going to be equal to the sum of interior opposite angles. So let's write 8x minus 11 is equal to 2x plus 6 plus 5x. Cool? Chalo. So ye ho jayega 5, 6, 7. 7x plus 6 is equal to 8x minus 11. So variables ko ek side liye jaate hain. Idhar jaake minus ho jayega. 8x minus 7x is equal to x and this is minus 11, तो उधर जाके add हो जाएगा 6 plus 11. So x की value कितनी आ रही है guys? This is equal to 17. Okay? So the value of x is 17. Now this is your task कि आप put करो value x की जगह 17 put करो इन तीनों angles में and find out if these two angles add up to give me the exterior angle. Clear? Okay. Okay. Next we have sum of sides of a triangle. The sum of any two sides of a triangle is always greater than the third side. ठीक है, कोई भी दो sides है, for example, there is a triangle like this. Okay, this is 4, right? This is 8. Okay, and the sum of any two sides should be greater than the third side. तो अब अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, for example, 3. ठीक है, this is 3. Now, is this kind of a triangle possible? अगर मैं इन दोनों साइड्स को लेती हूँ, 4 प्लस 3 कितना होता है, दिस इज इक्वल टू 7 एंड 7 इज लेस देन द थर्ड साइड विच इज 8, सो दिस काइंड ऑफ ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल. तो चेक कैसे करना है आपको, आपको जो भी दोनों छोटी साइड्स हैं उनको लेना है एंड यू हैव टू एड देम अप. तो जो इसका वैल्यू है इट शुड बी ग्रेटर देन 8. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 4 लिख देती, 3 की जगह अगर 4 होता, फिर मैं 4 प्लस 4 करती तो वो हो जाता 8. Then we know that 8 is equal to 8. This is also not possible. It should be greater than 8. So minimum value yahan kya aa sakti hai? It should be 5. So 3 and 4 cannot come. 5 aa sakti hai minimum value. Theek hai? Now in this case, agar mere pa sides of the triangle is 4, 8 and 5, I know ki ye jo dono choti sides hai, inko add karke answer 9 aayega. And 9 is greater than the third side which is 8. Theek hai? And obviously, sorry. And obviously 8 plus 5 is greater than 4 and 4 plus 8 is greater than 5. हमें बस ये देखना है जो छोटी sides को add करके the sum should be greater than the third side. Okay? Clear to everyone? Let's do a question based on this. Two sides of a triangle are of the length 4 cm and 1.5 cm. The length of the third side of the triangle cannot be. ठीक है? क्या नहीं हो सकती? ओके, अज्यूम करके चलते हैं ये दोनों छोटी साइड्स हैं. ठीक है, इफ आई ऐड 4 प्लस 1.5 इट इज गोइंग टू गिव मी 5.5. ठीक है, तो मैं क्या चाहती हूँ कि इन दोनों को ऐड करके जो भी मेरी थर्ड साइड है 5.5 से कम आनी चाहिए. ठीक है, इन दोनों का सम है, इट शुड बी ग्रेटर दैन द थर्ड साइड, राइट? सो माई वैल्यू शुड बी लेस देन 5.5. सो 3.6 इज लेस, 4.1 इज लेस, 3.8 इज लेस. सो दिस is the right answer, that 5.8 cannot be the length of the third side. क्योंकि अगर ये 5.8 हो जाएगा तो इनका जो sum है 5.5 will be less than 5.8 and such kind of a triangle is not possible. Right? Clear to everyone? चलो, let's do one more question based on it. Let two sides of a triangle be 3 cm and 7 cm. ठीक है, two sides of a triangle are 3 cm and 7 cm. What can be the maximum and minimum length of the third side?
ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम लेंथ कितनी हो सकती है। चलो अभी ज़ूम करके चलते हैं कि जो 7 और 3 है ये दोनों क्या है, दीज आर द शॉर्टर साइड्स, ठीक है, तो इनका सम कितना आ रहा है, इट इज इक्वल टू 10, ठीक है, तो जो थर्ड साइड है उसकी वैल्यू 10 से कम होनी चाहिए, इट शुड बी लेस दैन 10। सो मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है, मैक्सिमम लेंथ इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ठीक है, आई एम जस्ट टेकिंग द होल नंबर्स, ठीक है, अगर हम डेसिमल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऐसे तो 9.9 भी हो सकती है, ठीक है, 10 से जो है कम होना चाहिए, राइट, बिकॉज द सम ऑफ द अदर टू साइड्स शुड ऑलवेज बी ग्रेटर दैन द थर्ड साइड। सो मैक्सिमम लेंथ हो सकती है 9 सेंटीमीटर। अब मेरे को देखना है मिनिमम लेंथ क्या हो सकती है, व्हाट कैन बी द मिनिमम लेंथ इन दिस केस। नाउ इन दिस केस आई एम नॉट अज्यूमिंग कि जो सेवन और थ्री है वो छोटी साइड्स है, वो लेट्स अज्यूम दैट 7 इज द लार्जेस्ट साइड, ठीक है, हम अज्यूम करें कि 7 लार्जेस्ट साइड है, राइट, सो आई नो लेट्स सब्ट्रैक्ट इट, 7 माइनस 3 कितना होता है, इट इज इक्वल टू 4, ठीक है, अब जो सबसे छोटी साइड है, ठीक है, उसकी मिनिमम लेंथ मतलब कम से कम इतनी होनी चाहिए, ठीक है, 4 से कम होनी चाहिए, इट शुड बी लेस दैन 4, राइट, ओके, देखो कैसे, अगर ये मान लेते हैं ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, 4 + 3 कितना होता है 7, ठीक है, पर मेरे को क्या चाहिए कि 7 से जो लेंथ है वो द सम ऑफ दीज टू साइड शुड बी मोर देन 7, ठीक है, इट शुड बी मोर देन 7, तो यहाँ पे 4 नहीं आ सकता, यहाँ पे मिनिमम कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, 5 सेंटीमीटर आएगा तो जब मैं 5 + 3 करूँगी तो आंसर 8 आएगा, विच इज़ ग्रेटर देन 7, ठीक है, तो मिनिमम लेंथ इसकी 5 हो सकती है एंड मैक्सिमम लेंथ हो सकती है 9 सेंटीमीटर, ठीक है, सो प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस एंड यू कैन इवन ट्राई दिस एट होम, ठीक है, ट्राई करना घर पे एक ट्रायंगल बनाने का, ठीक है, जिसकी साइड्स हो 3, 4 एंड 7 एंड टेल मी इफ यू आर एबल टू डू इट, ठीक है, बताना कि अगर आप इस टाइप का ट्रायंगल बना पा रहे हो, या फिर जैसे 2, 5 एंड 6, राइट, सॉरी 2, 5 एंड 8, इससे ट्राई करना, ठीक है, ट्राई ट्रायंगल विद 2, 5, 8 एंड 3, 4, 7 एंड सी इफ यू आर एबल टू मेक इट, कूल, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। आर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, अब एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या होता है, ओके, सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, सम ऑफ द 3 इंटीरियर एंगल्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी में वी वर टॉकिंग अबाउट द एक्सटीरियर एंगल्स, इसमें हम इंटीरियर एंगल्स की बात करेंगे दैट लाई इनसाइड द ट्रायंगल, ठीक है, इनको जब आप ऐड करेंगे इनका सम क्या है, मुझे क्या देगा, दिस विल कम ऑन अ स्ट्रेट लाइन एंड दिस विल गिव मी अ लीनियर पेयर फॉर्म, ठीक है, आप कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ करो, ठीक है, उसके एंगल्स को कट आउट करो, दिस इज एन एक्टिविटी फॉर यू, ठीक है, ट्राई दिस आउट आफ्टर योर एग्जाम्स और जब भी फ्री हो, एक ट्रायंगल बनाओ, ठीक है, उसके एंगल्स को ना ऐसे कट आउट कर लो, उसको किसी इस तरह से प्लेस करोगे, जब आप प्लेस करो इन सच अ वे कि ये जो नीचे वाली लाइन है ये स्ट्रेट हो, ठीक है, आप इसको जंबल करके कभी जब भी इकट्ठे जोड़ोगे ना, हमेशा क्या होगा, दिस विल कम ऑन वन स्ट्रेट लाइन, इट विल शो मी कि एक जो स्ट्रेट लाइन है दिस इज कॉल्ड अ हाफ एंगल एंड इसका जो मेजर होता है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट, सॉरी, सो इफ दिस इज ए बी एंड सी आई कैन से दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, चलो लेट्स सी, इन द गिवन डायग्राम फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, अब कोई एक्सटीरियर एंगल नहीं है, सिर्फ इंटीरियर एंगल्स हैं एंड मुझे पता है दैट एक्स प्लस 45 प्लस 30 इज गोइंग टू गिव मी 180 डिग्री ओनली, ठीक है, सो क्या करूँगी, मैं 180 में से ये दोनों एंगल्स को माइनस कर लूँगी, जो बचा हुआ वो मेरा थर्ड एंगल होगा, सो दिस इज 5, 4, 5, 6, 7 इज इक्वल टू 180, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 75 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 75 which is going to give you 105 degree. तो x की वैल्यू हो जाएगी 105. And now you can check also कि ये जो तीनों इंटीरियर एंगल्स आ रहे हैं 105 plus 45 plus 30 क्या इनका सम 180 है कि नहीं. And you'll find that yes, their sum is equal to 180 degree. Cool? Okay, let's move forward. In the given diagram, find the value of x. तो ये आपको यहाँ पे ये जो सिंबल होता है, you know this is a symbol of a right angle. ठीक है, एंड राइट एंगल जो है उसकी वैल्यू कितनी होती है, इट इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है,
I know now this is 90, this is 30. I can find out angle X. X की value कितनी होगी? 180 minus 90 plus 30. ठीक है? And you know, you people know that always in exam you have to write the reason. That is the angle sum property. कौन सी property use हो रही है? Angle sum property use हो रही है. So X की value कितनी है? 180 minus so 0, 120. Cool? ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है? 180 माइनस 120 विच इज गोइंग टू गिव मी 60 डिग्रीज. तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 60 आएगी. आई होप आपने मुझसे पहले ही सॉल्व कर लिया था. ठीक है, दिस काइंड ऑफ कैलकुलेशंस यू कैन आल्सो डू इन योर ब्रेन, बट ओनली व्हेन वी डूइंग द मेंटी क्विज एंड गिविंग आंसर्स इन क्लास. बट एग्जाम में आपकी स्टेप वाइज मार्किंग होती है. ठीक है, सबको पता है स्टेप वाइज मार्किंग होती है, कोई भी स्टेप मिस आउट नहीं करना है. एंड ऑलवेज मेंशन द रीजन कि आप अगर ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हो, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, दैट यू आर यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी. ओके, चलो रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क विद द करेक्ट वैल्यू. सो सेम वी आर यू गोइंग टू यूज द एंगल सम प्रॉपर्टी which states that 82 degree plus 55 degree plus the question mark wala angle is going to give me 180 as the answer. Theek hai, this is 5, 6, 7 and 13. 137 plus question mark is equal to 180. Toh question mark ko kisse replace kar sakte hai? 180 mein se main minus kar dungi 137. So your answer should be equal to 43 degree. Right, so the third angle is 43 degree, and now you can check that 43 plus 82 plus 55 will give you how much? 180 degree only. Theek hai? Okay, then again now we have angles and property in the form of equations. Okay, अभी तक हमने exterior angle property में देखा था कि x की value x की form में या expressions की form में मेरे पास angle का measure था. ठीक है, अब हम सेम यूज करेंगे, प्रॉपर्टी सेम रहेगी, तीनों को जो थ्री एंगल्स हैं उनको हम इक्वेट कर देंगे इक्वल टू 180 डिग्री ओनली. ओके, चलो 5x माइनस 60 प्लस 2x प्लस 40 प्लस 3x माइनस 80 इज इक्वल टू हाउ मच? इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, लेट्स कंबाइन द लाइक टर्म्स. 5x प्लस 2x प्लस 3x ये कितना हो गया? 10x. ठीक है, then we have minus 60 plus 40 ये मुझे देगा minus 20 and this is minus 100, right? Okay. Is equal to 180 degree. ठीक है, यह minus 100 उधर जाके add हो जाएगा. 10x is equal to 280 degree, right? So x की value कितनी हो जाएगी? 280 divided by 10 which is equal to 28 degree. तो x की value कितनी है? 28 degree. Now that you know the value of x, find out the measure of angle A, angle B and angle C. और फिर इन तीनों को add करके देखो कि answer 180 आ रहा है या नहीं आ रहा. ठीक है, जैसे यहाँ पे 5 की जगह मैं x की जगह put कर दूंगी 28 minus 60. Here I'll write 2 into 2x plus 40 and here I'll write 3 into 28 minus 80. Cool, and you will find out the value of all three angles. Okay, moving forward, find the value of the three interior angles. Okay, so same I know that 96 plus 2x plus x plus 12 is equal to 180 degree. Why is it equal to 180 degree? Because we are using the angle sum property. Or angle sum property kya kehti hai? That the sum of all three interior angles should be equal to 180. So this is 3x plus 108 is equal to 180 degree. ठीक है, तो 3x की वैल्यू कितनी होगी? 180 माइनस 108 विच इज गोइंग टू गिव मी 72. ओके, सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 72 डिवाइडेड बाय 3. 3 2 is a 6 and 3 4 is a 12. तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? दिस इज इक्वल टू 24 डिग्री, राइट? अब उन्होंने क्वेश्चन में देख लेना ध्यान से क्या पूछे. थ्री इंटीरियर एंगल्स पूछे, x की वैल्यू नहीं पूछी, बट थ्री इंटीरियर एंगल्स. तो मुझे निकाल के बताना पड़ेगा 2 इंटू 24 विच इज इक्वल टू 48 डिग्री. दिस इज इक्वल टू 96 ऑलरेडी आई नो, एंड दिस इज 24 प्लस 12
विच इज इक्वल टू 36 डिग्री. ठीक है, तो अब देख लेते हैं 96 प्लस 48 प्लस 36 इज इट गिविंग मी 180 और नॉट. ठीक है, 66 12 एंड 8 इज 20, 9 4 5 6 7 16 17 18. ओके, यस, कूल. सो आर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट. जब आप इसको ऐड करोगे योर आंसर विल बी इक्वल टू 180 डिग्री ओनली. ओके, चलो नाउ वी हैव कम टू आवर लास्ट प्रॉपर्टी. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम सेज दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स. सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है, दिस हैपेंस ओनली इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल. ठीक है, ओनली इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. वी नो व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज, इट इज द लॉन्गेस्ट साइड. तो ये है मेरी लॉन्गेस्ट साइड, और मुझे आइडेंटिफाई कैसे करूंगी कि मेरी लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है? जो 90 डिग्री के ऑपोजिट होती है वो मेरी लॉन्गेस्ट साइड होती है, जिसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज. And the square of the hypotenuse will be equal to the square of the other two sides. Clear to everyone? ठीक है, तो अब a की वैल्यू यूजली हम कैसे निकालते हैं? Square root ले लेते हैं, b square plus c square, like this. ठीक है, अगर मेरे पास अब मुझे कोई बोले कि इसमें से मुझे बेस है जो सिर्फ उसके वैल्यू चाहिए, तो b square की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये c square इधर जाके माइनस हो जाएगा, which is a square minus c square. So like this you can change the formula according to what you want to find out. चलो लेट्स सी अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. तो ये मेरा 90 डिग्री का एंगल है. ठीक है, इसके जो ऑपोजिट है वो मेरा हाइपोटेन्यूज है. सो आई नो दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो यूजुअली ये जो होता है, दिस इज माय पी परपेंडिकुलर, दिस इज माय बेस एंड हाइपोटेन्यूज इज एक्स. सो आई विल राइट दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर. राइट, सो एक्स स्क्वायर 8 8 64 एंड 6 6 कितना होता है 36. सो वेन यू आर गोइंग टू एड देम आपका आंसर आएगा 100. तो अब मुझे स्क्वायर रूट ऑफ 100 फाइंड आउट करना है, मतलब आई हैव टू फाइंड आउट कि 100 किसका स्क्वायर होता है. तो इसके लिए प्लीज डू ट्राई टू मेमोराइज ऑल द स्क्वायर्स अप टिल 20 और 30. ठीक है, कि 30 तक कितने स्क्वायर की क्या स्क्वायर्स की वैल्यू होती है. सो आई नो दैट 10 × 10 इज 100. ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 10 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज इक्वल टू 10. सो एक्स की वैल्यू कितनी आई है? दैट इज हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 10 यूनिट्स. राइट, सो ये मेरा एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन गया, 10 8 एंड 6. तो मतलब जब भी ये नंबर्स लगेंगे, ठीक है, देन इन दैट केस दिस स्टैंड्स ट्रू दैट हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. बट कब? ओनली व्हेन इट इज इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल. ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. इसमें भी मुझे हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है. सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर. तो 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225. एंड 8 का स्क्वायर अभी हमने देखा था पीछे, इट वॉज इक्वल टू 64. राइट, सो 64 प्लस 225 इज इक्वल टू हाउ मच? 289. ठीक है, नाउ आई हैव टू फाइंड आउट कि 289 किसका स्क्वायर होता है. ठीक है, अगर तो देखो, इफ इट वुड हैव बीन अ इवन नंबर, ठीक है, तो मैं क्या कर सकती थी? आई वुड हैव डन दिस प्राइम फैक्टराइजेशन, जिससे मैं क्या फाइंड आउट कर सकती हूँ कि ये किसका स्क्वायर रूट है. ठीक है, बट इन दिस केस देर इज नो अदर मेथड दैन टू नो द स्क्वायर्स. तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर 289 आ जाए? द आंसर इज गोइंग टू बी 17. ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी होगी? 17. एंड 17 × 17 इज इक्वल टू 289. राइट, सो प्लीज डू मेमोराइज योर स्क्वायर एटलीस्ट टिल 30, आई वुड से. ठीक है, 30 तक. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 8 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट्स टॉप. ठीक है, इस तरह से यहाँ पे वी हैव अ ट्री. इस तरह से मान लो ट्री था. राइट, ओके, अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 8 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड यहाँ से क्या हुआ? ये टूट गया. ठीक है, 8 मीटर के बाद ये जो है ये टूट गया. ठीक है, एंड इट्स टॉप टचेज द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर फ्रॉम द बेस. एंड ये टूटने के बाद ये इस तरह से नीचे को गिर गया. यहाँ से दिस थिंग, दिस पोर्शन फेल डाउन लाइक दिस. ओके, सो ओके,
मैम की ड्राइंग बहुत गंदी है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, एंड ये जो इसका टॉप ऑफ द ट्री था इट इज टचिंग द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर फ्रॉम द बेस, तो ये 15 मीटर है. मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ओरिजिनल हाइट, कि जब ये पूरा स्टैंडिंग था ट्री तब इसकी टोटल हाइट कितनी थी, तो मतलब मुझे ये वाला जो पार्ट गिर गया था नीचे को उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो इफ दिस इज 90 डिग्री, दिस इज माई हाइपोटेन्यूस, एंड आई नो दैट हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर विच इज 225 एंड परपेंडिकुलर स्क्वायर विच इज 64. मैं 8 क्यों लिख देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड. ठीक है, इट इज इक्वल टू 64. सो अगेन हमने इसको ऐड किया था तो हमारा आंसर आ रहा था 289. सो एच स्क्वायर इज 289, तो एच की वैल्यू है रूट 289 विच इज इक्वल टू 17 मीटर. सो नाउ 17 मीटर इज नॉट माई आंसर, ठीक है, इट इज ओनली द लेंथ ऑफ द ट्री दैट हैज फॉलन डाउन. मुझे ओरिजिनल हाइट बतानी है, तो 17 में डोंट फॉरगेट टू ऐड द पार्ट ऑफ द ट्री दैट इज नॉट ब्रोकन दैट इज स्टिल स्टैंडिंग, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 25 मीटर. तो ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री वॉज 25 मीटर. ठीक है, क्लियर टू एवरीवन? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. श्रेया प्लेस अ 26 फीट लैडर अगेंस्ट अ वॉल. ये यहाँ पे एक मेरे पास दीवार है, राइट, ठीक है, दिस इज अ वॉल, राइट, एंड श्रेया प्लेस्ड अ 26 फीट लैडर अगेंस्ट अ वॉल. तो ये इस तरह से एक लैडर है, हम दीवार के साथ ही ऐसे सीढ़ी को लगाते हैं ना, एंड देन वी क्लाइम द स्टेयर. सो लाइक दिस उसने एक लैडर को यहाँ प्लेस कर दिया, और इसकी लेंथ कितनी है 26 फीट. इफ द बेस ऑफ द लैडर इज 10 फीट फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, ठीक है, तो बेस ऑफ द लैडर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 फीट फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल. How high up the wall will the ladder reach? तो मुझे इतना जो पार्ट है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो बेसिकली मुझे अपना perpendicular फाइंड आउट करना है. इस बार मुझे hypotenuse and base length जो है वो given है. So formula same है, h square is equal to b square plus p square, ठीक है. So 26 का square is equal to base कितना है 10, and this I don't know. ओके, सो पी स्क्वायर की वैल्यू कैसे आएगी, 26 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, यहाँ ऐड हो रहा था तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है. ओके, सो 26 इंटू 26 इज इक्वल टू 676, ठीक है, एंड दिस इज माइनस 100, सो दिस इज इक्वल टू 576. तो पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज इक्वल टू 576. ओके, अब मेरे को फाइंड आउट करना है कि 576 जो है वो किसका स्क्वायर है. आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी, कि इसका स्क्वायर रूट कितना है 576 का, ठीक है. इफ़ यू नो द स्क्वायर स्टिल 30 दैट्स वेल एंड गुड, इफ़ यू डोंट देन यू हैव अ मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह से, ठीक है. 576 है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके यू कैन फाइंड आउट द पेयर्स, ठीक है. जैसे 2 इंटू 288, ठीक है, अगेन ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, then that is 144, ठीक है. इस तरह करते करते you will have to form the pairs. यहाँ पे जगह कम है, okay, 72, then again it will go by 2 and 36, right? चलो ठीक है, इस तरह से क्या होता है, आप ना pairs form कर सकते हो. so this is 2 into 2, जितने pairs बनेंगे उसमें से एक एक 2 को लेके मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, एंड यू विल सी दैट योर आंसर विल बी इक्वल टू 2 into 2 into 2 करोगे आंसर विल बी इक्वल टू 24. सो बेसिकली पी स्क्वायर जो रूट ऑफ 567 है इट इज इक्वल टू 24. सो योर आंसर इज 24 फीट. डोंट फॉरगेट द यूनिट, अगर क्वेश्चन में फीट गिवन है तो आंसर में भी फीट ही आएगा. ओके, क्लियर टू एवरीवन? सो नेक्स्ट वी हैव सम इम्पॉर्टेंट पाइथागोरस ट्रिपलेट्स. तो ये आप याद कर लो, ठीक है. जैसे अगर आपको गिवन है एक ट्रायंगल, उसकी दो साइड्स मुझे 6 and 8 गिवन है, तो अगर मुझे याद होगा आई विल ऑटोमेटिकली नो कि जो थर्ड साइड है वो 10 ही होनी चाहिए, ठीक है, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट. सिमिलरली वी हैव 5, 12 and 13, ठीक है. इस तरह से कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, जो 13 है वो तो हाइपोटेन्यूस आएगा, एंड मान लेते हैं एक मेरे पास 12 गिवन है साइड की लेंथ, तो आई विल ऑटोमेटिकली नो कि जो थर्ड साइड है वो 5 होनी चाहिए.
सो 3, 4, 5, 5, 12, 13, 6, 8, 10 देन 7, 24 एंड 25 ये कुछ ऐसे बायनरी ट्रिपलेट्स हैं जो आपके एग्जाम में जरूर यूज होंगे 5, 15, 17 तो अगर आपको ये याद है तो यू कैन इवन क्रॉस चेक योर आंसर पूरा सॉल्व करने के बाद कि थर्ड नंबर वो आ रहा है कि नहीं आ रहा राइट आई होप यू हैव अंडरस्टूड ठीक है दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर वी हैड सम मेजर प्रॉपर्टीज लाइक एंगल सम प्रॉपर्टी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी सम ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड द पाइथागोरस प्रॉपर्टी सो प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस डू योर होल एनसीईआरटी बुक बेस आई होप बेसिक्स आपको क्लियर हो गए आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो Then I have to give you some very important information. This is about the Unacademy subscription features. ठीक है this is the plus and iconic. तो plus की बात करें इसके बहुत सारे features and very less cost. Learn life from the comfort of your home. घर बैठे बैठे आप पढ़ सकते हो right? इधर उधर tuition पे भागने की जरूरत नहीं है Top educators of the country are teaching you. जब मर्जी आप classes को view कर सकते हो Regular doubt solving sessions. सारा syllabus cover किया जाएगा आपको notes मिलेंगे हर chapter के हर subject के PDF की form में रेगुलर प्रैक्टिस टेस्ट होंगे ठीक है बैच कोर्सेज होंगे स्मॉल बैचेस होंगे सो बेसिकली यू कैन एस योर एग्जामिनेशन एट अ वेरी लेस कॉस्ट अगर हम बात करते हैं वी हैव डिफरेंट पैकेजेस 3 months, 6 months, 12 months, 15 months तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी पैकेज सब्सक्राइब कर सकते हो एंड द बेस्ट थिंग इज यू कैन इवन पे पर मंथ जरूरी नहीं है कि सारा जो सारी पेमेंट इकट्ठी करने हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आप 15 मंथ्स का ले रहे हो ठीक है यू कैन पे ओनली रुपीज 1200 पर मंथ फॉर द नेक्स्ट 15 मंथ्स जिसमें आपके सारे जो सब्जेक्ट्स हैं सारे जो बेनिफिट्स हैं दे विल बी इंक्लूडेड एंड इवन इफ अगर आप पर मंथ पेमेंट कर रहे हो देन ऑल्सो यू विल गेट 10% ऑफ इफ यू यूज द कोड SPGSS10 ओके देन वी हैव आइकॉनिक आइकॉनिक में क्या है प्लस के सारे बेनिफिट्स जो अभी मैंने बताए उसके साथ साथ एक पर्सनल मेंटर मिलता है एक टीचर एक स्टूडेंट एंड सारा फोकस आप पे होगा लाइव डाउट सोल्यूशन स्टडी प्लानर पेरेंट कनेक्ट एवरीथिंग इन दिस All the focus will be on one student and we are going to make sure that you basically understand everything and top your examinations. इसकी हल्के से prices ज़्यादा है हमारे plus subscription पे से but benefits भी बहुत ज़्यादा हैं okay, for example, if I talk, अगर आप 18 months की subscription लेते हो only rupees 1944 per month देना है जिसके अंदर आपको personal tutor मिल रहा है online mode से and also 10% off if you use the code SPGSS10. So, that's all for today. Don't forget to like, subscribe and share our channels. Thank you so much and let's crack it with Unacademy. Bye-bye everyone. See you with a new video very soon. Bye-bye. Take care.